अबीरा पर लगे गलत आरोप, चारू को हुआ अपनी गलती पर पछतावा। क्या सबके सामने चारू करेगी अबीरा को बेगुनाह साबित? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि अरमान अबीरा पर चोरी के आरोप लगाता है। कोर्ट में अबीरा दादी सा की मदद करती है और साथ ही अबीरा घर छोड़ने का फैसला लेती है। अबीरा के जाने के बाद अरमान को अपनी गलती का एहसास होता है, अरमान अबीरा को मिस करता है। वही अरमान के रूम से फाइल चोरी तो हुई है, लेकिन ये फाइल चोरी करने वाली अबीरा नहीं चारू है। लेकिन जब सच सबके सामने आता है, अबीरा दादी सा को बेगुनाह साबित करती है, तो चारू को अपनी गलती का एहसास होता है। चारू ये सोचकर मदद कर रही थी कि फाइल चोरी करके वो अच्छाई का साथ दे रही है, वो अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन चारू को ये नहीं पता था कि वो जिसे सपोर्ट कर रही है वो गलत इंसान है। अब चारू चाहती है कि वो सच सबको बता दे, लेकिन चारू नहीं चाहती है कि वो इंटर्नशिप का मौका खो दे। देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या चारू करेगी अबीरा को बेगुनाह साबित, या फिर डर की वजह से चारू किसी को भी सच नहीं बताएगी। आप क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।